नमस्कार, आज दिनांक 20 अप्रैल है। बात करें यदि मौसम की तो पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में पिछले 24 घंटों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं धूल भरी आंधी दर्ज हुई है, साथ ही हल्के दर्जे की बारिश भी दर्ज हुई है। सर्वाधिक बारिश हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 5 मिलीमीटर दर्ज हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा है। आज दिनांक 20 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के ऊपर इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सिस्टम का असर अगले 24 घंटों तक राजस्थान के ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म यानी मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं, धूल भरी आंधी, हवा की गति करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज हो सकती है। साथ ही इन जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। कल की यदि बात करें 21 अप्रैल को तो सिस्टम का असर केवल जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है, हालांकि शेष सभी संभागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इस सिस्टम के मद्देनजर मौसम केंद्र जयपुर की तरफ से किसानों को यह सलाह दी जाती है कि जिन किसानों की फसलें अभी भी खुले में खलिहानों में पड़ी है, कृपया उस फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। इसके अलावा विशेष रूप से कृषि मंडियों में अभी काफी मात्रा में अनाज खुले आसमान में रखा हुआ है, तो एक बार आग्रह है कि बारिश से या हल्की बारिश से अनाज को भीगने से नुकसान हो सकता है, कृपया इस अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें या ढक कर रखें। धन्यवाद। आर एस शर्मा, निदेशक मौसम केंद्र जयपुर।